और इसके अंदर सबसे बेहतरीन और इसकी फजीलत जब बढ़ जाती है कि जो पहल करे, जो पहल करता है वो इंतज़ार ना करे, नहीं तो लोग इंतज़ार करते हैं, और कई लोग तो इतना इंतज़ार करते हैं कि नहीं बड़े हैं तो उनको रहता, हम बुजुर्ग हैं बड़े हैं तो हमको सलाम करना चाहिए, तो वो आपकी फजीलत पीछे रह जाती है, आपकी फजीलत अब पीछे रह जाती है। तो सलाम जो है असल उसको हमको पहल करना है। ये सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6237। ये किसी भी मुसलमान आदमी के लिए हलाल नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा एक दूसरे मुसलमान को छोड़े रहे, 3 दिन से ज़्यादा उससे बातचीत वो बंद कर दे, उसके लिए हलाल नहीं है। और बेहतरीन वो है जो पहल करे इसके अंदर, यानी बातचीत में पहल करे, बातचीत में सबसे पहले क्या है, सलाम है, तो इसके अंदर पहल वो करेगा तो सबसे बेहतरीन क्या है, जो पहल करने वाला है। तो हमारा मामला तो ये है कि कई में लोगों के पास गया, कहीं हम जाते हैं तो बड़े बड़े अमीर जमात के, बड़े अमीर, बड़ा इलाका और बड़े अमीर, और इतने बड़े बड़े अमीर के साहब उनके पास, उनको मानने वाले तादाद 5000 लोग उनकी जमात में, 5000 लोग इनकी जमात के अंदर, और तो के दोनों, और वो दोनों आज नसीहत करते, खुतबे भी देते। और मैं जब उन्हें कहा कि यार वो यहाँ नहीं आते, मैंने उनसे पूछा तुम्हारे बारे में, तो बोले कि नहीं, इन दोनों की लड़ाई बातचीत बंद है कब से, 12 साल से एक दूसरे सलाम भी नहीं करते। वो दोनों अमीर भी हैं और दोनों आलिम भी हैं। अब बताइए फिर, अब कहाँ कैसे क्या मामला है? यह तो 3 दिन से छोड़े रखना मना किया गया, अब वो 3 महीने 3 साल हो जाते एक दूसरे को देखते भी नहीं, तो यहाँ तक मामले हम देख रहे हैं। तो ये और या फिर क्या होता है कि लोग उसमें बैठे रहते, नहीं गलती उसकी थी, वो सलाम करेगा मैं क्यों सलाम करूँ, गलती उसने करी थी, पहले उसने बोला वो करेगा तभी मैं करूँगा। लेकिन फजीलत से आप पीछे रह जाएंगे, फजीलत वही है कि जो पहल करे, जो पहले करे वो चाहे, और ये तो और बड़ी फजीलत है कि आप क्या नहीं चाहते, गलती उसकी थी ना, उसकी गलती थी, आप पहल करें, क्यों आप नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? कुरान में अल्लाह ने क्या कहा कि तुम चाहते कि नहीं कि अल्लाह तुमको माफ़ करे? तो आदमी कहता हाँ वाकई हम चाहते कि अल्लाह माफ़ करे, तो तुम दूसरों को माफ़ करो। तो देखिए कितना सारा हो जाएगा, अगर गलती के अंदर उसकी गलती और आप उसको माफ़ करके उससे सलाम करते तो कितनी सारी चीज़ों पर आप अमल करते हैं, कितना सारा अजर उसको अंदर हमको मिल जाता है।